dear student, I am Poonam from Poonam Aswal Classes. Today we learn a lesson in English for student of class 9th. The name of chapter is The Sound of Music. Part 1. Evelyn Glennie listened to new sound without hearing it. Now, rush hour crowd jostled for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. यानी एक लड़की है जो कि 17 साल की है, जो कि 17 साल से भी छोटी उम्र की लग रही है देखने में, और वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जहाँ पे ट्रेन आ रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है. जॉस्टल मीन्स पुश, रफली वहाँ पे एक दूसरे को वो पुश करने में लगे हुए हैं. तो वहाँ पे वो छोटी सी लड़की खड़ी हो रखी है जो कि अपनी उम्र से छोटी लग रही है, मगर वो उम्र की कितनी है, 17 साल की है. और वो किसको फील कर रही है, वो वाइब्रेशन को फील कर रही है. वाइब्रेशन किस चीज़ की वाइब्रेशन, ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को वो फील कर रही है कि ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पे. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from Scottish form. अब क्या होता है, ये वो पहला दिन था जब वो लंदन जा रही थी. कहाँ पे लंदन जा रही थी, रॉयल एकेडमी में जा रही थी ऑफ म्यूज़िक के लिए लंदन जा रही थी. और वो कहाँ की रहने वाली थी, स्कॉटिश की रहने वाली थी, जो कि एक टीनेजर लड़की थी और उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. डॉन्टिंग मीन्स क्या होता है, फ्राइटनिंग, यानी उसको थोड़ा डर लग रहा था कि वो कहाँ जा रही है, एक स्कॉटिश, एक छोटे से शहर से एक बड़े शहर जा रही है लंदन. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप. मगर ये उसके लिए एक चैलेंज था. कौन सा चैलेंज, क्योंकि वो एक बहरी थी, ये सुन नहीं सकती थी, और वो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. क्यों, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस भी देना था. किस चीज़ का, म्यूज़िक का. Evelyn Glennie, loss of hearing had been gradual. Her mother remembered noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब Evelyn Glennie की जो मदर है वो ये बता रही है कि जब Evelyn 8 साल की थी तभी उनको लगने लग गया था कि शायद Evelyn को सुनाई नहीं दे रहा है, उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो रही है. उससे पहले तक उसको सब सुनाई देता था. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव. उसकी मदर उसको बार बार बुला रही थी कि Evelyn इधर आओ, पियानो को बजाओ. बट Evelyn डिड नॉट मूव, मगर Evelyn वहाँ से मूव नहीं हुई. मूव क्यों नहीं हुई, उसको सुनाई नहीं दे रहा था. कब, जब वो 8 साल की थी. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड, सेज Isabel Glennie. Isabel Glennie कौन थी, Evelyn Glennie की मदर. तो वो बोल रही कि मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि शायद इसको सुनाई तो नहीं दे रहा, जो ये आ नहीं रही है मेरे पास पियानो बजाने के लिए. फॉर अ क्वाइट अ वाइल Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. कुछ सालों तक Evelyn ने क्या किया, इस बात को छुपाए रखा कि उसको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है उसको सुनाई नहीं देता. किससे छुपाए रखा उसने, अपने फ्रेंड्स से भी और अपने टीचर से भी. बट बाई द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिस्ट्रॉयड एंड हर हेड मिस्ट्रेस आर्ग्यूड हर पेरेंट्स टू टेक टू हर अ स्पेशलिस्ट. अब जब वो 11 साल की हो चुकी थी Evelyn, तो उसके मार्क्स कम आने लग गए थे. तो जो उनके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, उसने उनके पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि तुम अपनी बेटी को स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. तो उसके पेरेंट्स उसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए है, और स्पेशलिस्ट ने बताया कि इसकी सुनने की क्षमता खत्म हो रही है. क्यों हो रही है, क्योंकि इसका जो नर्व है वो नर्व डैमेज हो चुका है. देवर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर दी डेफ. तो उस स्पेशलिस्ट ने ये एडवाइस दी कि तुम ऐसे करो, तुम इसको एक हियरिंग एड, हियरिंग एड किसे बोलते हैं, जो कानों में सुनने वाली मशीन होती है, वो इसके कानों में लगा दो और साथ में इसे एक ऐसे स्कूल में एडमिशन कराओ जहाँ पे जाता है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता वहाँ पे इसका एडमिशन करा दो. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज Evelyn. अब Evelyn ये बोलती है कि जब मैंने ये सुना कि मेरी सुनने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है, तो मेरे सामने सब कुछ अंधकार छा चुका था. बट Evelyn वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. मगर Evelyn एक ऐसी लड़की थी जो गिव अप नहीं करना चाहती थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक.
वो इतनी डिटरमाइंड गर्ल थी कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसको क्या हो चुका था, सुनने में प्रॉब्लम आ चुकी थी, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। और उसका इंटरेस्ट किस में था, म्यूज़िक में, वो उसको परस्यू करना चाहती थी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक नोटिस किया कि एक लड़की है जो ज़ाइलोफोन बजा रही है, उसको प्ले कर रही है, और उसने डिसाइड किया, किसने, एवलिन ने, कि वो भी उसको बजाएगी। ज़ाइलोफोन किसे बोलते, देखो स्टूडेंट, ज़ाइलोफोन की यहाँ पे ये पिक्चर है, इसको बोला जाता है ज़ाइलोफोन, अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। ये वुडन होते हैं, यानी लकड़ी की बार्स होती हैं, और इनको दो वुडन स्टिक होती है, उससे इसे बजाया जाता है। नाउ अब क्या होता है, जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि उसे भी ज़ाइलोफोन बजाना है, तो मोस्ट ऑफ़ द टीचर डिस्करेज हर एंड परसोनेस्ट रॉन फॉब स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो बहुत सारी टीचर ने उसे डिस्करेज किया। क्यों डिस्करेज किया, क्योंकि बोला तुम सुन ही नहीं सकती तो तुम उसे बचाओगी कैसे। मगर एक सर थे जिनका नाम रॉन फॉब्स था, उन्होंने उसका पोटेंशियल देखा तो उन्होंने उसको काफ़ी मोटिवेट किया। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट। उन्होंने उसको एक दो बड़े बड़े ड्रम दिए और उस पर नोट्स बजाने के लिए दिए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन। तो एवलिन बता रही है कि वो मुझे कहा करते थे, कौन, रॉन फॉब्स, उनके सर कहा करते थे कि अपने कानों से मत सुनो, उसको दूसरी तरीके से सुनो, कैसे, उसको फील करो, तब तुम्हें म्यूजिक सुनना आएगा, भले ही तुम्हारे सुनने की क्षमता कम हो गई है। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वो कहती है एवलिन कि तभी मुझे रियलाइज हुआ जब मैं हाई नोट बजाती थी तो मुझे वो वेस्ट अप यानी कमर से ऊपर की तरफ फील होता था, और जब मैं लो ड्रम पे बजाती थी तो वो मुझे कमर से नीचे की तरफ फील होता था। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। फॉब्स ने उसको बार बार ये एक्सरसाइज कराई, उससे क्या हुआ, एवलिन ने डिस्कवर्ड कर दिया, क्या डिस्कवर्ड कर दिया, कि उससे भले ही सुनाई नहीं देता था मगर वो अपनी बॉडी के पार्ट से फील करने लग गई थी उस म्यूजिक को। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वॉज शीर एंड डिटरमाइनेशन एंड हार्डवर्क। वो कह रही मैंने इतना हार्डवर्क किया कि मैं अपने बॉडी के पार्ट से ही साउंड की वाइब्रेट को महसूस करने लग गई थी। शेवल लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। वो कहती है कि मैंने अब पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज अ 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने टूर भी किया, कहाँ पे टूर किया, यूनाइटेड किंगडम में टूर किया। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा जवान थी। किस का टूर किया था, ऑर्केस्ट्रा का टूर किया था, म्यूज़िक का टूर किया था, और उस टाइम वो बहुत ज़्यादा यूथ थी, मतलब 16 साल की थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ किसको देगी, म्यूज़िक को देगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। उसने ऑडिशन दिया, कहाँ पे ऑडिशन दिया, रॉयल एकेडमी म्यूज़िक पे ऑडिशन दिया, और वहाँ पे वो सबसे नंबर वन पे आई थी उस एकेडमी पे। She performs at the end of the, she gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अब जो एवलिन थी, एवलिन पहले जो ऑर्केस्ट्रा में जो म्यूज़िक को वो बजाती थी, अब वो सोलो देने लग गई थी। सोलो मतलब वो अकेली स्टेज में अब परफॉर्मेंस देने लग गई थी, और 3 साल तक उसने इतनी मेहनत की कि उसको टॉप अवार्ड यानी बड़े बड़े से इनाम पुरस्कार भी मिलने लगे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन्स वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो एवलिन सिर्फ यही कहती थी कि अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तो एक ना एक दिन तुम उस लक्ष्य पे ज़रूर पहुँचोगे जहाँ पे तुम्हें पहुँचना है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप The world most sought after multi-personist with the mastery of a some thousand instrument and hectic international schedule.
अब वो बिल्कुल टॉप में पहुंच चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा क्या करती थी, इंस्ट्रूमेंट को वो बजाती थी, तो 1000 से ज़्यादा उसने परफॉर्मेंस दी थी और उसकी वो हैक्टिक हो चुकी थी ही। इट इज़ इंट्रीगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। मतलब सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि एक ऐसी लड़की जिसको सुनाई नहीं देता वो क्या कर रही है, म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा बजा रही है, म्यूज़िक को फील कर रही है। इन आर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अगर उसे 2 घंटे भी उससे बात किया जाए तो वो कोई भी वर्ड को मिस नहीं करती थी, और हालांकि उसे क्या नहीं होता था, सुनाई नहीं देता था, मगर कोई भी वर्ड वो किसी का मिस नहीं कर पाती थी। सब उसको फील हो जाता था कि सामने वाला उसको क्या बोल रहा है। मैन विद बुशी बीड गिव मी अ ट्रबल शी लाफ। तो वो कहती है कि जो जिन आदमियों की दाढ़ियाँ होती है वो उन आदमियों को देख के वो बहुत ज़्यादा डरती है और थोड़ा वो हंसने लग जाती है। कौन बताती है ये, एवलिन बताती है। देखिए आप एवलिन की पिक्चर देख रहे होंगे, वो कैसे क्या कर रही है, म्यूज़िक को फील कर रही है, कैसे बजा रही है। इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। तो वो कह रही है कि भले मुझे सुनाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खाली उस इंसान के सिर्फ लिप्स को देखूंगी, नहीं, मैं उसके पूरे फेस को देखती थी, स्पेशली आई, मगर मैं ज़्यादातर किसको देखती थी, उसकी आँखों को देखती थी कि वो क्या बोल रहा है। शी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट। स्कॉटिश मतलब वो स्कॉटलैंड की थी, तो उसके के बोलने का जो एक्सेंट था वो कौन सा था, स्कॉटिश था। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। तो वो कह रही है कि मेरा बोलने का तरीका बहुत ही क्लियर है, क्यों, क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी मैं बोलना सीख चुकी थी। मैं खाली क्या हुआ था मेरे साथ, प्रॉब्लम क्या आई थी, सुनने में प्रॉब्लम हुई थी। शी सेज, उसने कहा, किसने कहा, एवलिन का, बट दैट डजन एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। मगर उसने यहाँ तक कि कौन सी लैंग्वेज भी सीखी, उसने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी, किसने, एवलिन ने। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। वो एक्सप्लेन करती है कि भले ही मुझे कानों से नहीं सुनाई देता मगर मैं अपने पूरे बॉडी पार्ट से उसको फील करती हूँ। किसको, म्यूज़िक को। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चेक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। मैं अपने गालों से सुनती हूँ, मैं अपने चेक बो अपने गालों से सुनती हूँ, अपने स्किन से सुनती हूँ, अपने हेयर से सुनती हूँ। वैन शी प्ले द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू अ फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो जो फिंगर टिप्स होती है उसकी, उससे भी वो उसको पासिंग करती थी और फील करती थी। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रिसोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। वो ड्रम को भी जब फील करती थी तभी भी वो अपने बॉडी से उसको फील करती थी, भले ही उसे सुनाई नहीं देता था। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स। जब वो वुडन के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस देती थी तो अपने शूज़ को उतार लेती थी, उतार के वो उसके पैर नंगे पैर हो जाते थे, बेयर फीट मतलब नंगे पैर हो जाते थे, उस नंगे पैर से वो फील करती थी वाइब्रेशन को। किस वाइब्रेशन को, जब वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाती थी ही। तो वो कह रही मैं ऐसे फील करती थी, अपने बॉडी पार्ट से फील करती थी। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस स्कॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो कह रही 1991 में उसको रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटी से सोलोइस्ट यानी अकेले परफॉर्मेंस करने का उसको अवार्ड भी दिया गया। सेस मास्टर पर्सनेस जेम्स ब्लेड्स। ये बात किसने बोली, जेम्स ब्लेड्स ने बोली। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. God ने यानी ऊपर वाले ने क्या किया, उसकी सुनने की क्षमता तो छीन ली थी बट उसको एक extraordinary चीज़ भी दे दी। क्या, कि वो अपने सारे body parts से music को feel कर रही थी। What we hear she feel far more deeply than any of us. That is why she express music so beautifully. जो हम लोग सुनते हैं क्या उसे सुनाई देता, नहीं, वो फील करती है, इसीलिए वो म्यूज़िक को इतना सुंदर तरीके से फील करती हो और एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ अ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलिन कन्फेस करती है कि वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, यानी जो अपने काम को करता रहता है, कोई भी डिफ़िकल्टी आई या कोई भी
कुछ भी आया, मतलब डिफिकल्टी आई, मगर वो अपने काम के प्रति ऐसा रहेगा कि वो अपना काम करेगा। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, बट द रिवार्ड आर इनॉर्मस अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट। एवरी एवलिन ऑल्सो गेव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। एवलिन बोलती है कि उसने जो परफॉर्मेंस दी है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेज ही स्टेज में दी है, उसने हॉस्पिटल में भी परफॉर्मेंस दी है, उसने जेल में भी परफॉर्मेंस दी है, और यहाँ तक कि एवलिन ये बोलती है कि वो अपनी सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो ये रखती है कि यंग लोग म्यूज़िक को ज़्यादा सुने। एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर अ डेफ चिल्ड्रन, दे सी दैट देयर इज़ अ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। तो एंड रिचलिन कहती है, जिसका बिथोवन फंड भी था, वो कहती है कि जो बहरे बच्चे हैं वो उसके लिए एक प्रेरणा है एवलिन के लिए। हे एवलिन को वो देखे, क्यों? क्योंकि एवलिन भी सुन नहीं पाती है। कब? जब वो 11 साल की उम्र हुई तब उसको पता चला कि उसकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है। तो वो जो बहरे बच्चे वो उससे प्रेरणा ले कि वो भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइज हर एज, शी हैज़ ब्राउट आउट Persuade to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to million. तो एवलिन ग्लेनी ने जो कि अपनी दुगनी एज के जो लोग होते हैं वो इतना मुकाम हासिल नहीं कर पाते, एवलिन ने इस छोटी सी एज में ही हासिल कर लिया है। और साथ में एवलिन ये भी कहती है कि इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो उसको करना चाहती है तो वो उसको करेगी ही करेगी, और वो हैंडीकैप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी दे सकती है कि अगर एवलिन एक डेफ चाइल्ड होकर और म्यूज़िक की लाइन में जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं। कौन? वो डेफ चिल्ड्रन। तो वी कम टू एंड दिस चैप्टर, थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच अ लेसन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल पूनम असवाल क्लासेस। थैंक यू।